आज मैं आपके लिए बिना चीनी का बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करते हुए हेल्दी स्वादिष्ट पौष्टिक से भरपूर सिर्फ 15 मिनट में तैयार होने वाला व्रत के लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ। अगर आप एक लड्डू रोज खाते हैं तो ये शरीर में ताकत प्रदान करेगा। एक बार बनाए और 15 दिन तक आप खा सकते हैं। आपको इतना पसंद आएगा कि आप अक्सर बनाना पसंद करेंगे बिना व्रत का ही। तो चलिए बनाते हैं मखाने के लड्डू। इस पौष्टिक से भरपूर आसान स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम मखाने। मखाने के फायदे हर कोई जानते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच देसी घी। कुछ हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 15 काजू, इसे इस तरीके से तोड़ लिया है, 15 बादाम और 20 से 25 किशमिश। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डाल सकते या फिर बहुत ही कम मात्रा में डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच उबला हुआ रूम टेम्परेचर का दूध, फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर। मैं ये लड्डू गुड़ में बनाना बता रही हूँ ताकि और भी ज़्यादा हेल्दी बने। गुड़ के फायदे भी हर कोई जानते हैं, आयरन से भरपूर होता है। अगर आप चीनी में बनाना चाहते हैं तो 1/2 कप पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो वो किस तरीके से करना है वो वीडियो में आगे बताऊँगी। और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम नारियल का बुरादा यानी खोबरा पाउडर, कप से देखें तो 1/2 कप। सबसे पहले हम मखाने को भूनेंगे। तो यहाँ पे डालिए 1 चम्मच घी और इसमें मखाने डाल दीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए और इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए करीब 5 मिनट के लिए मखाने को भून लेते हैं। हमें तब तक भूनना है जब तक ये क्रंच जैसा ना हो जाए यानी कुरकुरे ना हो जाए। और लगातार चलाएं, अगर नहीं चलाइएगा तो मखाने जल जाएंगे। तो ये लड्डू को बनाना जितना आसान है उतना ही पौष्टिक है। बहुत ही कम घी में हम ये लड्डू बनाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि लड्डू को बांधने के लिए घी का ज़रूरत हम करते हैं, इसलिए आप रोज एक लड्डू खा सकते हैं। और ये व्रत रेसिपी मैं बता रही हूँ इसलिए एक बार बनाएं और रोज इसका सेवन करें। ये लड्डू 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं मखाने रोस्ट हो चुके हैं, कलर भी चेंज हुआ है। इसे जब हाथों में लें तो इस तरीके से फूट जाना चाहिए। फ्लेम को लो रखिए और एक प्लेट में मखाने को निकाल लीजिए। अब हम बिना घी तेल डाले डालते हैं काजू बादाम और इस तरीके से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स का मॉइस्चर चला जाए, जो भी इसमें नमी है, और क्रंच बरकरार रहे, लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। काजू बादाम रोस्ट हो चुके हैं, कलर आप देख सकते हैं कितना लाइट है। इसे साइड रखें, बिल्कुल धीमी आंच पे अब हम नारियल के बुरादों को रोस्ट कर लेते हैं। इससे नारियल का कच्चापन भी चला जाएगा और लड्डू को सौंधापन मिलेगा और लड्डू का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो देखिए बस हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। तो देखिए नारियल से भुनने की खुशबू आने लगी है और जैसे हल्का सा कलर चेंज होना तुरंत बर्तन से बाहर निकाल लें वरना डार्क कलर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम 30 सेकेंड के लिए किशमिश को रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करेंगे ताकि किशमिश खिल के हल्का सा अंगूर बन जाए यानी फुल फुल जाए थोड़ा सा। तो 30 सेकेंड में ही आप देखेंगे कि किशमिश का कलर चेंज होने लगा है। तुरंत पैन से बाहर निकाल लें। कढ़ाई गर्म है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी है, इस घी का हमें ज़रूरत है। अब हम चाकू से इस तरीके से गुड़ को काट लेते हैं। तो मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है और शुरू से लेके आखिर तक लड्डू का जितना भी हम काम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता गुड़ को पिघलने दें। जो फुले फुले मोटे मोटे से मखाने हैं बड़े बड़े साइज़ के, थोड़े से देखिए इतने से हम निकाल लेते हैं और बाकी हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम काजू बादाम डाल देते हैं और थोड़े से हम बचा लेते हैं और 1 मिनट के लिए मिक्सी चला लीजिए। तो कुछ सेकंड में ही बहुत ही अच्छे से पाउडर हो जाएगा। तो इधर 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि गुड़ पिघल चुका है। फ्लेम बंद कर दे, हमें गुड़ को पिघलाना ही था। और अब हम पिघले हुए गुड़ में एक एक करके सामग्री डालेंगे। तो यहाँ पर
जो हमने मखाने रखे हैं साबुत, इसे हाथों से इस तरीके से चूर कीजिएगा ना तो क्रश हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लड्डू में क्रंच आएगा और स्वाद बढ़ जाएगा। देखिए कितना फटाफट हो रहा है, आप बेलन से भी चूर कर सकते हैं। तो देखिए हमने चूर लिया है और इधर मैंने चाकू से बादाम को काट लिया है। अब बाउल लीजिए, इसमें डालिए पीसे हुए मखाने और जो हमने काजू बादाम पीसा था, नारियल का बुरादा यानी खोबरा पाउडर। दोस्तों सिर्फ 15 मिनट में ये लड्डू बन जाता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ऐसा लड्डू है किसे आप सालों भर खा सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए हरी इलायची पाउडर आधा छोटी चम्मच, किशमिश, और ये जो हमने साबुत रखा है मखाने इसे भी डाल दें, और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और अब हम डालेंगे गुड़ जो हमने पिघलाया है, गरम गरम ही डालना है और इस तरीके से मिला लें। तो मिठास आप हल्का, ज़्यादा, मीडियम अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। अभी तक हमने इसमें घी नहीं डाला है, बस मखाना भुनने के टाइम डाला था। तो लड्डू तो हमें अपने हाथों से ही बनाना है, इसलिए हाथों से मिला ले। तो दोस्तों आप कढ़ाही में जिसमें हमने गुड़ पिघलाया है गरम गरम, उसमें भी आप मिला सकते हैं। तो अगर आप गुड़ के बदले चीनी डालना चाहते हैं तो इस टाइम चीनी पाउडर डालिएगा। सारे सामग्री को अच्छे से मिला लिया है। अब लड्डू बांधने के लिए यहाँ पे हम दूध डालेंगे, तो 3 चम्मच डालें पहले। तो दूध डालने से बहुत ही कम घी में लड्डू तैयार हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें दूध डालना है। तो 5 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। और अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसे हाथों में लें तो बहुत ही अच्छे से लड्डू बन जाएगा। तो अब हम बिना रुके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आपके हथेली में जितना बड़ा आ जाए मिश्रण उतना लड्डू ले। तो छोटे लड्डू, बड़े लड्डू कैसे भी बनाए, तो कुछ सेकंड में ही लड्डू बनके तैयार है। देखिए, तो व्रत में 1 लड्डू खाइएगा, शरीर को बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगा और स्वाद ऐसा है कि आप 1 या 2 खाना पसंद करेंगे। तो मैं मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और आपका लड्डू कैसा बना ये भी बताइएगा। तो देखिए कितना फटाफट बन रहा है। और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से रेसिपी आप तक पहुंचाती रहूं। तो ऐसे हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में 12 लड्डू बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही नरम, मुलायम, स्वादिष्ट लड्डू है। आप ज़रूर बनाएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कलर आप देख सकते हैं, गुड़ डाला लेकिन कितना बढ़िया आया है। तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप रखे, फ्रिज में रखिएगा तो और भी ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।